हेलो माय ऑल ब्यूटीज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच टू लव मी हियर, टू सपोर्ट मी हियर। एंड जो भी व्यूअर मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी गाइस कि माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वुमन नीड। तो आपके यहाँ पे शॉपिंग हॉल, मेकअप वीडियो, बहुत सारे DIY और साथ ही साथ नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू भी जानने को मिलेंगे। तो गाइस, चैनल आपको बहुत ज्यादा पैसे बचाने वाला है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलेगी एक जेन्युइन एडवाइस। तो गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो गाइस, थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी। यहाँ पे जस्ट बगल में आ रहा होगा गाइस नोटिफिकेशन बटन, उसको भी जरूर हिट कर लिया कीजिए ताकि अब आपसे फ्यूचर में मेरी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हिट नहीं करते हैं तो आपके पास मेरी किसी भी वीडियो की कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि अब तक आपने नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लिया हो। नाउ माई लवली ब्यूटीज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक 2-स्टेप ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी स्किन डल है, ड्राई है, आपकी स्किन में फ्लेक्स हैं, तो ये अमेजिंग रिजल्ट देगा गाइस आपको। नाइट का टाइम है और मैंने अपने चेहरे पर ये ट्रीटमेंट लिया है, रिजल्ट आपके सामने है। नाउ स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है गाइस, एक ऑलिव ऑयल लेना है और कॉफी पाउडर लेना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी ऐसा ऑयल ले सकते हैं जो आप अपने चेहरे के लिए गाइस अच्छा मानते हो, ठीक है। अब ये जो आप मास्क रेडी कर रहे हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा कि ये एक ऐसा मास्क है जो आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली स्क्रब भी करेगा और साथ ही साथ गाइस आपको इससे करना है मसाज अपने चेहरे की, ठीक है। तो जब तक ये मास्क ऐसा ना बन के रेडी हो जो आपके चेहरे पर स्लिपरी हो, तब तक समझ लीजिए कि ये मास्क आपकी स्किन के लिए नहीं रेडी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, इसको ना थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना है और इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छे से करनी है ताकि कॉफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। कॉफ़ी जो होती है गाइस, वो आपके स्किन में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करती है और जब भी ब्लड सर्कुलेशन आपके स्किन में बहुत अच्छे से हो जाता है तो आपके स्किन में एक अमेजिंग सा ग्लो आता है और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग लगती है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से अप्लाई कीजिए पहले गाइस, और अप्लाई करने के बाद आपको इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में एंड अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा गाइस, ये दोनों चीज़ें आपको अपने स्किन पे परफॉर्म करनी है स्टेप नंबर 1 या ट्रीटमेंट के स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। इसको कंप्लीट 60 सेकंड तक आपको अपने चेहरे पर रखना है या कह लीजिए 60 सेकंड तक आपको मसाज करना है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा गाइस कि स्टेप नंबर 1 में आपको बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही जेंटल वे में आपको इस ट्रीटमेंट को करना है अपने चेहरे पे। गाइस, अक्टूबर से फेब के मंथ के लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है क्योंकि इस समय फ्लेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। नाउ गाइस, आपको इसको गुनगुने पानी से उतारना है। ध्यान दीजिएगा गाइस कि ट्रीटमेंट नंबर 1 और ट्रीटमेंट नंबर 2 दोनों में ही आपको अपने पैक को और इस ट्रीटमेंट के स्टेप नंबर 1 को हटाने के लिए गुनगुने पानी का यूज़ करना है। रिजल्ट आपके सामने है गाइस, अमेजिंग रिजल्ट है। कोई भी लाइटिंग नहीं है, कोई भी मेकअप नहीं है, कोई भी गाइस इफेक्ट नहीं है इसमें, ये नेचुरल एंड न्यूड फेस आप मेरा यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ स्टेप 2 में आपको लेना है आलमंड का पाउडर। आलमंड जो होता है गाइस, वो आपका विटामिन ई से रिच होता है, ये आपकी स्किन का फूड कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, विटामिन ई से भरपूर आलमंड्स लेने हैं। आप आलमंड्स को ग्राइंड करके आपको इसका पहले पाउडर रेडी करना है, ठीक है। पाउडर गाइस सिर्फ 5 to 6 आलमंड्स का ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा बना के मत रखिएगा। वैसे ये बेस्ट रहता है गाइस आपके अक्टूबर से फेब मंथ के लिए, तो आप इसको अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट गाइस, मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। आपको क्या करना है, आलमंड का जो पाउडर है और जो यहाँ पे बेसन है, इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है। गाइस, हम लोग बेसन को बहुत ऑर्डिनरी मानते हैं, बट बेसन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी स्किन की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए 100% इफेक्टिव है, ठीक है। तो आपको बेसन एंड आलमंड पाउडर का इक्वल प्रोपोर्शन लेकर और गाइस गुलाब जल के साथ में इसको अच्छे से बाइंड करना है। आप चाहें तो फिल्टर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं इसको बाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक थिक पेस्ट रेडी करना है गाइस, ये पेस्ट आपका लिक्विड नहीं होना चाहिए, एक थिक पेस्ट होना चाहिए। और ये जो पेस्ट आपका यहाँ पे बनके रेडी होगा वो एक अमेजिंग फेस पैक होगा गाइस, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है, ठीक है। ये जो पैक है गाइस, ये थिक रखिएगा आप, और ट्रीटमेंट नंबर 1 के बाद
जस्ट आपको ट्रीटमेंट नंबर टू कर लेना है। गाइस आप चाहें तो इंडिविजुअल भी ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे बहुत फ्लेक्स आती हैं, आपकी स्किन बहुत ही डल लगती है तो। दोनों ही बहुत अच्छा है, बट अगर आप दोनों स्टेप करते हैं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप इसको ना अच्छे से आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के टाइम पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा गाइस कि इसका जो आपका मोशन होना चाहिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एप्लीकेशन कीजिएगा, क्योंकि ये ना एक एंटी एजिंग एंटी रिंकल पैक भी यहाँ पे बन के रेडी है। तो अगर आपकी स्किन में झुर्रियाँ झाइयाँ ये सब भी हैं तो भी आपके लिए ये बहुत अमेजिंग फेस पैक रेडी हो रहा है, ठीक है। अच्छे से इसका एप्लीकेशन कीजिए और ये जो पैक है इसको गाइस अगर ये बढ़ जाता है तो आप इसका गैस टू कोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो पैक है इसमें है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल गैस आपके चेहरे पे ना सूखता नहीं है, एकदम से वो नहीं सूखेगा, इसलिए 20 to 25 मिनट आपके चेहरे पर इसका एप्लीकेशन होना चाहिए। 20 to 25 मिनट के बाद ये गैस आपका थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा। जब ये ड्राई होने लगेगा तो आपको इसको अगेन गुनगुने पानी से ही उतारना है, ठीक है। जब आप इसको हटाएंगे, नाउ गाइज हियर इज़ अ रिजल्ट, कोई भी लाइटिंग नहीं है, नेचुरल एंड न्यूड फेस आप मेरा यहाँ पर देख रहे हैं। ये था गाइज टू स्टेप प्रोसेस डल ड्राई एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी स्किन के लिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।